अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से या बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने से क्यों घबराते हैं, उसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप दोस्तों, आपने दुनिया में कोई ऐसा बिज़नेस देखा है जो कि कोई प्रोडक्ट सेल किए या ख़रीदे बगैर या सेल किए बगैर चला हो? आप आईफोन की एग्जांपल्स ले सकते हैं। आप के जिस ज़माने में आईफोन लॉन्च हुआ था ना सर, उस ज़माने के अंदर नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला उस वक्त मार्केट लीडर्स थे, आप सब जानते हैं। तो आप ये सोचें कि आईफोन 1 लाने के लिए स्टीव जॉब ने कितने सालों तक उसको बनाने में मेहनत की होगी, कितना पैसा लगा होगा, कितना सेक्रीफाइस उस बंदे ने किया होगा एक आईफोन 1 बनाने के लिए। जिस दिन आईफोन 1 बना था उस फौरन तो आईफोन पॉपुलर नहीं हो गया था ना, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट, उसके ऊपर दूसरा खर्चा कितना किया होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी जिसके बाद जाके आईफोन ने दुनिया में राज किया। लोग घबराते क्यों हैं इस चीज़ से कि हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी है? लोग बगैर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं, दुनिया में कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाता जब तक कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई सेक्रीफाइस ना करे। आज की वीडियो में आपके सामने एक एग्जांपल कोट करूंगा, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन मैं फिर से दोहराना शुरू करूंगा। आपने एक बर्ड का नाम सुना होगा, ईगल। ईगल की टोटल लाइफ जो होती है ना दोस्तों, वो होती है 70 साल। 70 साल के बाद वो मर जाता है। 40 साल की उम्र में जब वो ईगल पहुँचता है ना, तो उसकी जो चोंच होती है जिससे वो शिकार करता है, वो टेढ़ी हो जाती है। उसके जिस्म पे जो पर होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। उसके पंजे मुड़ जाते हैं कि उससे वो झपट्टा नहीं मार सकता अपने शिकार के लिए। तो क्या करेगा जब ये सब 40 साल में हो जाए? या तो वो मर जाए, छोड़ दे, वैसे ही ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसकी, ना वो कुछ कर सकता है, तो क्या करता है? दोस्तों, ईगल ऐसा नहीं करता, वो हार नहीं मानता। वो 40 साल की उम्र में एक बहुत बड़े पहाड़ पे चले जाता है, और पहाड़ पे जाने के बाद अपनी चोंच उसकी बेंड हो जाती है, वो एक पत्थर पे मारता रहता है, और पत्थर पे मार मार के उसको वो तोड़ देता है। सोचें दोस्तों, कितना पेनफुल टाइम होगा उसके लिए। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अपने चोंच को तोड़ देता है, जिस जगह पे वो जाता है अपने नाखूनों को रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। कितना तकलीफ दे होगा दोस्तों, कितना पेनफुल टाइम होगा उसके लिए। जब वो उसके बाद वो 6 या 8 महीने के बाद इंतज़ार करता है कि मेरी चोंच दोबारा से वापस आएगी, सीधी हो जाएगी चोंच मेरी, जिससे मैं हंट कर सकूँगा, उसके पंजे दोबारा से मजबूत हो जाते हैं। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद वो तीसरा तकलीफ दे अमल ये होता है कि जो उसके जिस्म पे पर लग जाते हैं, उसको अपने ही चोंच से नोच नोच के ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो उसको उड़ने में तकलीफ दे रहा था, वो उड़ नहीं पाता। तो अपने ही जिस्म से वो पर वो नोच नोच के तोड़ देता है। सोचें दोस्तों, कितना पेनफुल टाइम होगा उसके लिए, कितनी सेक्रीफाइस की होगी, कितना टाइम लगा होगा उसको, कितना उसने तो हंट ही नहीं कर पाया, कुछ भी भूखा भी रहा होगा। लेकिन ये लाइव एग्जांपल्स वो हैं जो हम आप लोग के सामने से गुजरती है, लेकिन हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते। एक जानवर, एक परिंदा अपने माइंडसेट को चेंज करता है कि हाँ, मुझे ज़िंदगी में आगे कुछ करना है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिसके पास जहन है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास हर चीज़ है, हर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से जा रही है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज कि हमें एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोस्तों, सोचने की बात है। आप कुछ सोचें, दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग रहे, कोई एक सक्सेसफुल लोग बता दें जो कि एम्प्लॉई रहे हों किसी कंपनी के और लोगों ने उसकी एग्जाम्पल्स दी हों, कोई एक बंदा बता दें। हमारे लड़के आईटी में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वो पढ़ाई लिखने के बाद, इतना अच्छा स्किल लेने के बाद भी एक जॉब को प्रेफरेंस क्यों देते हैं? अगर जॉब को प्रेफरेंस भी देते हैं, तो अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते कि यार, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आजकल के दौर में तो अपॉर्चुनिटी इतनी है। मेरे दोस्तों, ही जो मैंने एग्जाम्पल बोली सुनाई है ना आपसे, प्लीज़ इसको अपने
घर जाके या कभी सुकून से सोच के इसको, इस थीम को सोच के कि एक जानवर जब इतनी सेक्रीफाइस कर सकता है, एक परिंदा इतनी सेक्रीफाइस कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता दोस्तों। बगैर सेक्रीफाइस किए हुए, बगैर सेक्रीफाइस किए हुए आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। प्लीज़ मेरी बात को सोचिएगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको फिर भी कोई हमारे इस बिज़नेस प्लेटफॉर्म पावर ईगल्स के ऊपर कोई भी चीज़ समझनी हो, कोई हमारे मेंटोर्स हैं, आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी हम आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।